नॉर्थ ईस्ट देश का ऐसा एक अभिन्न हिस्सा जिसको हमने काफी समय तक भिन्न रखा चाहे वो कल्चर की वजह से हो चाहे वो कनेक्टिविटी की वजह से हो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट को अलग नहीं रखा गया होता सेग्रीगेट नहीं किया होता मेनलैंड इंडिया से तो क्या उसका जो पोटेंशियल था एट प्रेजेंट हो सकता था So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पोटेंशियल था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो लॉक रह गया और कैसे टाइम्स वो अनलॉक हो सकता है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चहल एकेडमी माय नेम में शुभांगी सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश यू ऑल ऑफ अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली

आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कोड दिवाली यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और ब्राइटन अप कर सकते हैं इस दिवाली अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वी हैव एट एट स्टेट्स है सेवन सिस्टर्स इन विच वी इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश देन वी हैव आसम नागालैंड मेघालय मणिपुर त्रिपुरा एंड मिजोरम एंड वी हैव देन सिक्किम सो वी हैव सेवन सिस्टर्स एंड देन सिक्किम जहां पर इन आठों स्टेट्स में ब्रॉड कल्चरल हेरिटेज भी है और एक रिच अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स ग्रुप्स भी आपको देखने को मिलते हैं यहां पर अगर एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स जो हैं इस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर रीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं बट हिस्टोरिकल आइसोलेशन इस पर्टिकुलर रीजन की मेन लैंड ऑफ इंडिया से यहां पर इसकी डेवलपमेंट तो हिंडर करती रही है साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल है और लेस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने ओवर द इयर्स देखी है अगर ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस इंश्योर होती तो आज इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की पिक्चर काफी अलग हमें देखने को मिलती तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने हमें डिफरेंट तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया होता सब है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से नॉर्थ ईस्ट जो है काफी रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में चाहे हम कोल की बात करें ऑयल की बात करें नेचुरल गैस की बात करें या फिर मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें सिर्फ मेघालय और आसम में ही सेवेंटी थ्री परसेंट जो है टेरिशरी कोल रिजर्व जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये जो रिसोर्सेज है अगर इनको सस्टेनेबली यूज किया जाए बिना एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए और ऐसे कॉम्प्रोमाइज किए कि ये अपकमिंग जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे तो ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है रीजनल और नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ पे जहां पर इस वक्त इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अपवर्ड मूवमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमें बाहर के देशों से लेने पड़ते हैं हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाहर के देशों पर बनी हुई है आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट का एग्रीकल्चर जहां पर सत्तर प्रतिशत इसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है ये रीजन जो है एक मेजर प्रोड्यूसर है ऑर्गेनिक टी का और बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का भी अगर हम बात करें आसम की तो आसम अकेले ही 50 परसेंट जो है इंडिया का प्रोडक्शन ऑफ टी देखता है और 11 परसेंट वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है वो आसम से आता है यहाँ पर फोकस की जरूरत है सस्टेनेबल फार्मिंग की ताकि हम और बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ला सके फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके और इस रीजन में जो एग्रीकल्चरल बेस्ड एम्प्लॉयड लोग हैं एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनकी इनकम में बूस्ट आ सके ताकि हम ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनमी पर भी देख सके अब अगर हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ देखें अक्रॉस इंडिया यहां पर हम 2013 से 2023 तक देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर ग्रेजुअल हमें हल्का हल्का इंक्रीज जो है वो देखने में मिला है ग्यारह किलो किलोग्राम मिलियन किलोग्राम से प्रोडक्शन जो बढ़े तेरह सो सेवेंटी फोर किलोग्राम मिलियन किलोग्राम तक आ गया है 1374 किलोग्राम तक बढ़कर यहाँ पर प्रोडक्शन आया है और इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल है क्योंकि यहां पर लैंडस्केप बायोडाइवर्सिटी कल्चरल हेरिटेज जिसकी वजह से एक अच्छा डेस्टिनेशन बनता है टूरिज्म एंड इको टूरिज्म के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर 2022 में अगर डोमेस्टिक अराइवल्स की बात करें तो वो 10 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं इस हिस्टोरिकल आइसोलेशन की वजह से ये टूरिज्म बूस्ट जो है वो हमें रीसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहा है ये बूस्ट जो था पहले नहीं था एंड नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्लाट रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी अगर इन्हें टाइमली एड्रेस कर दिया जाता तो एक अच्छा खासा टूरिज्म ग्राउंड जो है डेस्टिनेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में हो सकता था साथ ही साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे और यहां पर टूरिज्म सेक्टर को फैसिलिटेट करें तो यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट राइट डायरेक्शन में यूथ के लिए जनरेट होगा ही होगा साथ ही साथ हमें इंक्रीज रेवेन्यू जो है वो देखने को मिलेगा आगे बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज की जो ये रीजन है यहाँ पर डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेज डायलेक्ट ट्रेडिशन देखे जाते हैं और इस वजह से वराइड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसिस जो हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल चाहे वो बीहू हो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो बांग्ला फेस्टिवल हो यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं अगर हम 2021 यूनेस्को रिपोर्ट की बात करें तो इन को प्रिजर्व और प्रमोट करना बहुत जरूरी है ताकि इस रीजन की जो कल्चरल टूरिज्म है उसका पोटेंशियल जो है अनलॉक किया जा सके लोकल इकोनॉमीज़ को बूस्ट किया जा सके और साथ ही साथ कम्युनिटी प्राइड को बढ़ावा मिल सके ताकि यहां पर जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको भी उनको भी साइडलाइन किया जाके ताकि मेन फोकस जो है यहां पर कल्चरल हेरिटेज पे बना रहे अगर हम कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर वो रिसेंटली ही इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इसलिए यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्टिविटी जरूरी है बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक टू इंडिया ग्रोथ इस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लैंड से कनेक्ट करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है जैसे कि भारत माला सागरमाला इनिशिएटिव जिससे रोड और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के तहत नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक गई है 2023 में उन्होंने रिपोर्ट किया कि सोलह सो एक किलोमीटर सोलह किलोमीटर के हाईवे जो है वो इस रीजन में बन चुके हैं जिनके थ्रू फैसिलिटेट हो रहा है बेटर ट्रेडिंग एंड मोबिलिटी जिससे इफेक्ट हमें इकोनॉमिक पोटेंशियल पर देखने को मिलेगा अगर हम 2014 की बात करें तो यहाँ पर जो हाईवे का लेंथ था वो 10,905 किलोमीटर था और अगर हम 2023 की बात करें तो बढ़कर 16,125 किलोमीटर हो गया है ये सिर्फ ट्रेड और मोबिलिटी के नजरिए से जरूरी नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी ये कनेक्टिविटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्टेट्स जो है वो बॉर्डर करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज को यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो रीसेंट हैं और इससे पहले जो पोटेंशियल था नॉर्थ ईस्ट का वो लिमिटेड रहा है इन इनिशिएटिव्स के नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से साथ ही साथ अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो यूथ है वो प्रेजेंट करता है इस वक्त थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन कई इनिशिएटिव्स जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इन्हांस करने पे फोकस कर रही है इनकी इंप्लायबिलिटी साथ ही साथ अगर इनको स्किल ट्रेनिंग मिलेगी तो रीजनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पच्चीस परसेंट से ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी होगी डाइवर्स इंडस्ट्रीज के लिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अपग्रेडेशन हुआ है 22 आईटीआईस का साथ ही साथ नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं आईटीआई में जहां पर सेंट्रल फंडिंग है 100 परसेंट साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया है ट्वेंटी एट में जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स बाउंड्री वॉल्स अपग्रेडेशन ऑफ ओल्ड टूल्स और साथ ही साथ चौंतीस नए आई भी बनाए गए हैं इन आर्ट स्टेट्स में ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ, पीछे ना रहे हाउ एवर एज मच एज हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं काफी सारे चैलेंजेस भी हैं जो इस पोटेंशियल को अनलॉक करने में आएंगे इतना पोटेंशियल होने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है काफी सारे इश्यूज फेस करता है जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्चर और इन्वायरमेंटल कंसर्न इन सारे इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और ये एड्रेस जो है वो एक इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए जो पॉलिसी में सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाए और कम्युनिटी इंगेजमेंट थॉरली हो अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात बात करें तो यहां पर जो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही इस रीजन की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है और साथ ही साथ ग्रोथ एस्पेक्ट्स जो है वो भी इंश्योर कर सकता है ताकि नॉर्थ ईस्ट जो है फ्लरिश करे अपने एक्चुअल पोटेंशियल तक हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इमेंस पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म टू बेटर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनमी यहां पर जरूरत है कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को होलिस्टिकली इंटीग्रेट करें इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो मिलती रहे और इसके लिए जरूरी है कोलाबरेटिव एफर्ट्स ये सिंगुलरली पॉसिबल नहीं है इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स को चाहे वो गवर्नमेंट हो Central government, state government, local communities, representatives, they need to come together to realize this vision of unleashing the potential of Northeast India. This note, I will conclude this session that Northeast India, Hamare India is a very important and integral part, hai, which has a lot of potential. टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रेजिक्ट्री जो इंडियन इकोनॉमी इस वक्त एम कर रही है दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई एल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन